राजपूत समाज की अगर बात की जाए तो हर एक लड़ाई में आपने जरूर देखा होगा, अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तब भी आपने देखा होगा, लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके चलते बहुत ही बड़ा फैसला जो है राजपूत समाज के लोगों के द्वारा लिया गया है, और इससे पहले जो है इतना ज़्यादा गुस्सा कभी भी इन लोगों के अंदर नहीं देखा गया है। तो जानने का हम ज़रूर प्रयास करेंगे क्या कुछ सुनिश्चित करवाने वाले हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपने डिसाइड किया है, क्या कुछ फैसला लिया है। आज यहाँ पर करनाल के अंदर राजपूत समाज के काफ़ी संख्या में समाज इकट्ठा हुआ था। समाज ने फैसला लिया है कि 10 सितंबर को जिस कैथल के अंदर समाज के ऊपर लाठियाँ बांधी गई, वहाँ पर राजपूत समाज एक महाकुंभ करने जा रहा है। महाकुंभ का मतलब ये है कि सरकार की जड़ें हिलाने का काम करेगा, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। आज यहाँ पर समाज इकट्ठा हुआ तो समाज ने यहाँ पर हमारी 3 कमेटियों का गठन किया, एक जो सामाजिक तौर पर समाज के मसले देखेगी और एक कानूनी प्रक्रिया पर एडवोकेट्स हमारे जो थे समाज के वो हमारे हाई कोर्ट वगैरह के मसले देखेगी और एक इतिहासकारों की कमेटी हमारी जो इतिहास पे बोल लेगी। तो यहाँ पर समाज ने ही फैसला लिया आज। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई गुज्जर समाज के कई लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप वो लोग गलत कर रहे हैं, तो गलती किसकी? मैं उनके समाज के बड़े ही मौजूद व्यक्ति हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं राव सुरेंद्र जी। राव सुरेंद्र जी ने आपको पत्रकारों को ही एक बाइट दी थी, पीछे बोला था कि मैंने सीएम साहब को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि सीएम साहब ये जो शब्द है ये स्थानवाचक शब्द है ना कि जातिवाचक। तो जब वो स्थानवाचक शब्द हो गया तो फिर वो गुज्जर कैसे हो गया? तो इसमें बताओ, जब उन्हीं के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि वो स्थानवाचक शब्द है, वो मान रहे हैं ना राव सुरेंद्र सिंह जी, तो ये बताओ गलत हम कहाँ हुए? अब समस्या ये है कि जब तक ये अपना पूरा का पूरा प्रकरण निचोड़ करके पूरी बदनामी सहन करेंगे तब तक ये लोग अपना सिस्टम लेके ना भागे, तब तक ये अड़ने की बात कर रहे हैं और ये जल्दी ही सारा सिस्टम अपना ताना बाना जो लपेट रखे हैं ना ये सारा लेके भागेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़े दिन रुको, ये सारा का सारा कुछ ये नकली है। बीजेपी से कहीं ना कहीं कट चुके हैं, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग? बीजेपी को किस बात की सपोर्ट? ये बताओ, जब बच्चों पर लाठिए बुजुर्गों पर लाठिए चल चुकी हैं तो किस बात की सपोर्ट? ऐसा कोई समाज नहीं होगा जो अपने बुजुर्गों को और बच्चों को लाठियाँ मरवा के फिर भी बीजेपी की गोद में बैठेगा। बीजेपी को हरियाणा के अंदर और देश के अंदर लाने में राजपूत समाज का 95% योगदान रहा है। 95% 75 पार का नारा दिया था बीजेपी ने और हमारे समाज के एक टिकट काटा था, मात्र एक टिकट, जो 75 पार से ना सीधे 40 पे आ गए थे। और अब तो पूरे राजपूत समाज के बच्चे बच्चे को इन्होंने छेड़ दिया, बच्चे बच्चे को जगा दिया। तो इस बार तो बीजेपी हरियाणा से और देश से जाएगी, 100% जाएगी, कोई रोकने की आड़ी ताकत इनके पास नहीं है और ऐसे प्रदेश के मुखिया नहीं हैं कि जो वो इतनी सूझबूझ से काम कर लें। उन्होंने 2 समाज बुलाए थे, कोई फैसला लिया था। एक मुखिया पूरे प्रदेश का वो अपनी बात पे नहीं टिक सकता तो ये बताओ क्या करेगा वो, कोई फैसले बड़े कर लेगा? मैं तो मानता नहीं इस बात। समाज के बहुत से लोग सत्ता में भी है लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रहे, साथ में नहीं आ पा रहे, क्या लगता है? ऐसा है, अभी बहुत से लोगों ने इस्तीफा दिया है, कैथल के लोगों ने, करनाल के लोगों ने, समाज ने 2 ही जिलों को अपील की थी, बाकी लोगों ने आश्वासन दिया है हमारे को भी हम 10 दिन का समय दो हमारे को, हम 10 दिन तक इस मसले को कुछ ना कुछ निपटारा कराएंगे। अगर 10 दिन तक निपटारा हो गया तो ठीक है, अगर 10 दिन तक निपटारा नहीं हुआ तो वो समाज के साथ खड़े मिलेंगे आपको जो सरकार के साथ है, अगर जो समाज के साथ नहीं आएगा फिर वो समाज से चला गया। युवा लिया गया है उसके बाद फैसला 10 सितंबर को महाकुंभ है कलायत के अंदर, उससे पहले फैसला ये है सरकार हमारी बात मानती है, वहाँ से जाति सूचक जो शब्द है उसे हटाती है और जितने भी हरियाणा में मूर्तियों का अनावरण हो रहे हैं या बोर्ड लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर भी रोक लगाती है। और ऐसा कौन सी हो सकती थी जिन्होंने कैथल के अंदर हमारे समाज के ऊपर लाठियां चलवाई, वो ऐसी कौन सी ताकतें थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सत्ता में थे फिर आप सबके साथ आपके समाज के साथ ऐसा हुआ तो क्या लगता है कि बीजेपी को दोबारा मौका देंगे या फिर इस तरह? देखो मौका अलग बात है, वो उस विषय पर मैं बात नहीं करी, आज हमारी बात है, आज रात पूरे के पूरे राजपूत समाज में रोष है, उसी को रोष को देखते हुए हमने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। क्योंकि इस सरासर समाजों की गलती नहीं है, मैं नहीं कहता गुज्जर समाज गलत है, ये सरासर एक राजा की गलती है। राजा को जब अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, जब उन्हें पता था कितनी मूर्तियों का अनावरण पहले भी रुक चुके हैं, कितनी मूर्तियां होंगी हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर जिन मूर्तियों का अनावरण नहीं हुआ, ऐसा क्या एक ही दिन के अंदर मूर्ति का अनावरण करना था? 7 जिलों की पुलिस बुलाकर वहां पर लाठियां चलाई, बुजुर्ग थे हमारे, युवा थे हमारे, ऐसे साथी थे जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सब के ऊपर लाठियां चलाई गई और उनको जेल के अंदर डाला गया। ठीक है, आप अपना संगठन, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, पर आपको लॉ एंड मेंटेन करना क्षत्रिय समाज को पीट गई। पहले कितने आंदोलन हुए, किन पे लाठियां चलाई?
दस दिन पाँच दिन वेट किया जाता था, उनकी बात मानी जाती थी। या तो कोई राजपूत समाज गलत बात कह रहा हो तो कोई भी पत्रकार बंधु हो या सामाजिक बंधु हो वो हमें आके एक बात कह देगी हाँ राजपूत समाज गलत है, तो हम सब के सब अपने घर वापिस चले जाएंगे। अगर मूर्ति के ऊपर हिंदू शब्द लिखवाना, हम महापुरुषों को जाति में नहीं बांट रहे, हम ये कह रहे हैं कि महापुरुष की कोई जाति नहीं है, जातियों में बांट कर हम, क्योंकि उन्होंने जब अपना राज्य शासन चलाया उन्होंने राज्य शासन पूरे देश के लिए चलाया था, ना कि अकेली बरादरी के लिए चलाया था। महापुरुष सभी के हैं, महापुरुषों का सम्मान भी सभी करते हैं, पर ठीक है उनका किसी जाति कुल में जन्म हो वो अलग बात है। आप वो क्या गुज्जर कहते हैं कि ये हमारे ये शोध का विषय आप करो, पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि यहाँ पर मूर्ति का अनावरण नहीं होना चाहिए। सभी भाइयों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, बात की, क्या क्यों दही जम गई थी सरकार के हाथ में, सरकार के लोगों ने ही तो हमें पीटा है। कई लोग कहते हैं इसमें सरकार की गलती है, और किसकी गलती है भाई, कांग्रेस ही पीटने आए थे हमें। जब हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारा है, वहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन को चलाने वाले भी तो हमारे लोग थे, प्रशासन को रोका नहीं गया। फिर यानी एक जाति को आप आगे दिखा के उनका आप बचाव करके दूसरी जाति पलट चला गए, कहाँ तक का न्याय। अभी आपने राजपूत समाज की बात सुनी, इनके विचार सुने और इनकी बातें जो है आप तक पहुंचाने का काम भी किया है, और फैसला जो है बड़ा लिया गया है, महाकुंभ रचाया जा रहा है, उसके बाद जो है काफ़ी सारे युवा और बाकी सारे राजपूत समाज के लोग जो है इकट्ठा होने वाले हैं, और बड़ा फैसला जो है आप तक पहुँचा दिया गया है। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट न्यूज़, कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।